आप? मैंने हैंडी लोन ऐप से लोन लिया था सर। ओके तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, 7 डेज के पहले ही मुझे ओवर ड्यू लगाना शुरू किया। तो इसके कारण मैं अभी मतलब रिपेमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ओवर ड्यू लगाया सर। और वो अभी हरेस्ट कर रहे हैं मुझे कि आपके आधार कार्ड का ये करूँगा वो करूँगा, तेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट मेरे पास है, ऐसे करके। आप परेशान नहीं हो, मैं आपको इसमें सारा कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो लोन ऐप है ये फेक है, कहीं से भी लीगल नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। दूसरा क्या है कि इसमें अगर आपने पेमेंट नहीं किया बहुत अच्छा है, क्योंकि पेमेंट के बाद भी ये आपको ब्लैकमेल करेंगे और किया जा रहा है लोगों को। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है नहीं करना है, मैं सारा कुछ आपको एडवाइस और हेल्प कर देता हूँ। कहीं से भी आपको ना ही इनका पेमेंट का टेंशन रहेगा, ना इनके ब्लैकमेलिंग कॉल्स का, ना ही कोई लीगल इशू का। इनके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे आप इनसे बाहर निकल सकते हैं, जिससे कि ना कॉन्टैक्ट परेशान होगा ना आप, और ना ही कहीं से बदनामी का डर रहेगा। क्या आप भी इस तरीके से लोन ऐप से परेशान हैं? कैश एडवांस, 10 रुपी, हनी लोन, बड़ी कैश, आमतौर पे लोग इन ऐप से परेशान हैं। पहली बात, ये फेक ऐप है, आप रिपेमेंट ना करें वरना ब्लैकमेलिंग का आप शिकार होंगे। आमतौर पे लोग सोचते हैं पेमेंट करके हम बच जाएंगे, बट पेमेंट के बाद ब्लैकमेलिंग और ज़्यादा बढ़ती है। इनका काम ही है ब्लैकमेल करके जितना हो सके पैसा निकालना। अगर आप भी इनके प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ना कांटेक्ट पे फ़ोन जाने का टेंशन, ना इनको पैसे देने का, ना ही कांटेक्ट लिस्ट में बदनाम होने का या नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होने का। हेल्प के लिए जिस भी लोन ऐप से परेशान है उसका नाम और प्रॉब्लम आप मेंशन करें और कंप्लीट हेल्प आप लें।